दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड, जिस स्केटबोर्ड को हम वायरलेसली पिस्टल रिमोट से कंट्रोल करेंगे। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है और आज हम इसे स्टेप बाय स्टेप बनाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और अगर चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक रबर व्हील लिया है जिसका डायमीटर 15 सेंटीमीटर और विड्थ 5 सेंटीमीटर है। इस व्हील में बीच का होल 28 mm है। इसमें मैंने 4 होल किया है और M5 स्क्रू के लिए थ्रेड बनाया है। ये है 6001ZZ बियरिंग। इस बियरिंग को हमें व्हील के बीच वाले होल में फिक्स कर लेना है। दोनों का डायमीटर सेम है तो ये इजिली फिक्स हो जाएगा। और अब इस बियरिंग का बीच का होल 12 mm है, तो व्हील के एक तरफ तो हमने बियरिंग लगा लिया है और दूसरी तरफ खाली है। सेम ऐसा ही मैंने 2 व्हील बनाया है। इसके बाद मैंने 2 इंच का एल्युमिनियम लिपि लिया है और इस लिपि को मैंने इस शेप में कट करके इसमें कुछ ड्रिल किया है और ये है M5 स्क्रू। इसे हमें बियरिंग के ऊपर लगाना है M5 स्क्रू का यूज करके, ताकि हमारा बियरिंग लॉक हो जाए और ये व्हील से बाहर ना आए। इस व्हील में मैंने 4 स्क्रू का यूज किया है। अब हमें दूसरा व्हील लेना है और इस व्हील में भी इस प्लेट को लगा लेना है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 2 स्क्रू को टाइट करेंगे। ये है 28th चेन स्पोकेट। इस पॉकेट को हमें इसके ऊपर 2 स्क्रू की मदद से फिक्स कर लेना है। इस पॉकेट को मैंने फिक्स कर लिया है और अब आप देख सकते हो कि इस पॉकेट को हमने व्हील से थोड़ा सा बाहर निकाल कर इसे फिक्स किया है, ताकि हमारा चेन व्हील में ना टच करे। ये है 12 mm का रॉड और इस रॉड का लेंथ 5 इंच है। यह है 12 mm का 2 रॉड को आपस में जोड़ने के लिए बोल्ट। इसकी मदद से हम 5-5 इंच का 2 रॉड आपस में जोड़ लेंगे और इससे हमारा रॉड 10 इंच का हो जाएगा। यह है एक पाइप जिसका डायमीटर 27 mm था, लेकिन हमने इसमें टेपिंग करके इसे 28 mm डायमीटर में बना लिया है और इसे हम इस व्हील के अंदर डाल लेंगे। और इस पाइप के अंदर हमें 10 इंच वाले रॉड को डाल लेना है और इसके बाद हम दूसरे वाले व्हील को भी यहां पर डाल लेंगे। और अब हमारा व्हील फ्रीली रोटेट कर रहा है। ये है 5 इंच का नट बोल्ट एंड वॉशर और इसका यूज करके हम अपने इन दोनों व्हील को आपस में जोड़ लेंगे। मैंने नट बोल्ट की मदद से दोनों व्हील को आपस में जोड़ लिया है और जो हमारा नट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था उसे मैंने कट कर लिया है। अब हमें व्हील के दोनों तरफ 2 बूस्ट लगाना है। यह है व्हील को मोटर के साथ जोड़ने के लिए चेन। इस चेन को हमें चेन स्पोकेट में लगा लेना है। अब मैंने 25x16 mm का एक वुडन बिट लिया है और इससे मैंने कुछ पीसेस को कट किया है जिससे हम इसका सेसिस बनाएंगे। ये है 2 इंच का ड्राइव वॉल स्क्रू जिससे हम इन पीसेस को आपस में जोड़ लेंगे। अभी हमने वुडन बिट को यूज करके 2 फ्रेम बनाया है और अब हमें इन दोनों फ्रेम को आपस में जोड़ लेना है। अब मैंने इस फ्रेम के बीच में 2 मार्क किया है जहां पर हम वुडन बिट को कट करके निकाल लेंगे, क्योंकि यहां पर हमारे व्हील का एक्सल लगेगा। मैंने दोनों तरफ इस बिट को कट कर लिया है एंड ये मैंने एक छोटा सा पीस कट किया है जिसे हम यहाँ पर लगाएंगे। इसे भी हम स्क्रू की मदद से जोड़ लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो भी वुडन बिट यूज किया है, ये वुडन बिट आपको प्लाईवुड के शॉप में इजीली मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पर इसके व्हील को फिक्स कर लेना है। यह है 750 RPM 12 वोल्ट
पेलेंट्री डीसी गियर मोटर और ये है 12 टीथ चेन स्पोकेट जो हमारे मोटर के साथ अटैच होगा। तो इसे हम इस मोटर में लगा लेते हैं और इसे एलन की मदद से टाइट कर लेते हैं। अब हमें इस मोटर के इस पॉकेट में चेन को लगा लेना है और इस मोटर को हम एल्युमिनियम वायर के थ्रू यहाँ पर टाइट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 जगह एल्युमिनियम वायर से इस मोटर को टाइट कर लिया है। अब मैंने 4mm के प्लाई से इस शेप को कट किया है, बीच में मैंने व्हील के लिए कट किया है और इसे हम इसके ऊपर लगा लेंगे। ये है 12-17 volt 320 ampere ब्रश ESC। इस ESC को हम यहाँ पर चिपका लेंगे। ये है 2.4 GHz 3-channel पिस्टल रेडियो ट्रांसमीटर और ये है इस ट्रांसमीटर का 3-channel रिसीवर। इस रिसीवर में हम ESC के लीड को चैनल नंबर 2 के साथ कनेक्ट करेंगे और रिसीवर को भी हम यहाँ पर चिपका लेंगे। अब हमें कंट्रोलर के आउटपुट वायर्स के पॉजिटिव को और नेगेटिव को मोटर के पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है और इसमें हम हीटसिंक ट्यूब डाल करके इसे सिंक कर लेंगे ताकि दोनों टर्मिनल आपस में टच ना हो। यह है 2200 mA 4S 14.6 वोल्ट लिथियम पॉलीमर बैटरी। इस बैटरी को हम यहाँ पर फिक्स करेंगे लेकिन इसके पॉट को हमें यहाँ से बाहर निकाल लेना है क्योंकि हम इसे प्लग और अनप्लग कर सकें। अब मैंने 4mm प्लाई से कुछ और पीस कट किया है जिसे हम इस स्केटबोर्ड के नीचे की तरफ कवर करने के लिए लगाएंगे। ये मैंने सनबोर्ड का एक स्ट्रिप कट किया है जिसे हम इस स्केटबोर्ड के आगे की तरफ और पीछे की तरफ कवर करेंगे। अब मैंने कुछ सैंड पेपर लिया है और इस पेपर को हम इस स्केटबोर्ड के हिसाब से कट करके इसे स्केटबोर्ड में फेविकोल का यूज़ करके चिपका रहे हैं। अब हमें इस स्केटबोर्ड के नीचे की तरफ 4 व्हील्स लगाना है क्योंकि एक व्हील में बैलेंस करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि स्पेशली मुझे स्केटबोर्ड चलाना नहीं आता है इस वजह से, वरना जिसे स्केटबोर्ड चलाना आता है वो सिंगल व्हील से भी कंट्रोल कर सकता है। एंड फाइनली हमारा स्केटबोर्ड पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं और करते हैं इसकी टेस्टिंग। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।